सहरिश, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्रिया सहरिश प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली ये कि जैसे कि आपको पता है जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से समर से हम हटकर बाहर आ गए हैं आप, जी तो अब हमें सेम जो ट्रीटमेंट है या सेम जो हम क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। जब मौसम चेंज होता है तो ज़ाहिर है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो सेम आप स्किन के रूटीन नहीं रख सकते हैं जो कि समर में आप रखते हैं। अब जब विंटर्स आते हैं उसके अंदर एक रूटीन जो हमारी बहुत होती है वो होती है कि हम गर्म पानी के साथ भी बहुत नहाते हैं। इसकी वजह से स्किन के अंदर ड्राइनेस के जो चांसेस होते हैं वो विंटर में ज़्यादा होते हैं अगर हम उसको समर से कंपेयर करें। फिर ये होता है कि जैसे कि जो सन ब्लॉक है वो तो पूरे साल ही लगाना चाहिए। अब उसके अंदर समर के अंदर पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि कोई ऐसा सन ब्लॉक हमें ना एडवाइस किया जाए जो कि ऑयली हो, जो कि चिपक के व्हाइट स्किन के कास्ट साथ एक तरह से व्हाइट छोड़ता कास्ट। हो और उस तरह से बिल्कुल ऑयलीनेस हो उसमें। बिल्कुल, तो उसमें ये होता है कि जो विंटर्स के अंदर आप बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन होती है हम प्रेफर करते हैं कि उनको हम सीबम कंट्रोल वाले सन ब्लॉक दें ताकि उनका ऑयल कंट्रोल हो सके। और लेकिन एक्नी प्रोन स्किन ना बिल्कुल हो। अक्ना जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उसके अंदर भी हम यही एडवाइस करते हैं। तो एक तो चेंज आता है, शिफ्ट आता है कि वो पेशेंट जो एक्नी प्रोन होते हैं लेकिन वो भी प्रेफर नहीं कर रहे होते कि समर में वो ऑयल बेस्ड कोई हाँ, अब तो सनस्क्रीन जेल यूज़ बेस्ड भी करें। है। बिल्कुल, तो वो एक तो वो आपने करना है। दूसरा कि समर से ज़्यादा आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है और इसको बार बार मॉइस्चराइज रखने की ज़रूरत है। और इसमें कुछ होते हैं जो जिनको एक्जिमा होता है उनको आम लोगों से ज़्यादा ड्राई स्किन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हम एडवाइस ये करते हैं कि जैसे ही आप बाथ लेके निकलें, एक तो आपने टेम्परेचर बहुत गर्म नहीं रखना है जब आपने नहाना है, और जैसे आपने नहाते जब आपकी डैम्प स्किन होती है, जब हल्का सा पानी लगा होता है आपकी स्किन के ऊपर और हल्का सा जब रिमूव होता है, बिल्कुल, तो आपने उस टाइम पर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है और बार बार इसको मॉइस्चराइज ये करके बेस्ट रखना वे है। टू मॉइस्चराइज है कि बिल्कुल जब आप डैम स्किन हो, जब नहा कर बिल्कुल निकले तब उसके वक्त कर लिया जाए। बिल्कुल और जैसे ही मौसम चेंज होना स्टार्ट होता है ना, आपके स्किन पे ड्राइनेस के पैचेस होते हैं इस बिल्कुल एरिया में, तो फिर वो ड्राइनेस के पैचेस के बाद वो रेडनेस फिर ब्लैकनेस होना स्टार्ट हो बिल्कुल, जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके अंदर आपने ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं जो कि सीरामाइड्स हों जिसके अंदर, क्योंकि वो सबसे हाई लेवल का जो मॉइस्चर है स्किन में वो प्रोवाइड करते हैं और इसको आपको बार बार रीअप्लाई करना होता है। इसके अलावा जो हम अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं ना, अक्सर उसके अंदर हार्श इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि पेशेंट डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि सैलिसाइक्लिक एसिड है, मैंडेलिक एसिड है। वैसे तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये अच्छे हैं लेकिन अगर आप इसको बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं तो ये भी स्किन की ड्राइनेस का बाइस बनते हैं। तो इसलिए आपने न्यूट्रल पीएच वाले फेस वॉश यूज़ करने, जो स्किन का पीएच जो जो है स्किन वो का मेंटेन पीएच। रख सकते हैं। बिल्कुल तो मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं ये सन क्या कहते हैं, जो हम फेस वॉशेस की बात करते हैं, जी तो उसमें हम ज़रूरी है कि फेस वॉश से ही अगर फेस वॉश किया जाए, हम साबुन से भी तो कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये ज़्यादातर पेशेंट और ये मिथ है जो हमें लगता है कि सोप जो है, जो साबुन है वो ज़्यादा बेहतर है फेस वॉश से। हाँ जी, हमें यही हाँ, लगता इसलिए है। क्योंकि अगर आप सोप को उठा के अगर आप उसको इसके इंग्रेडिएंट्स को आप देखें ना, उसकी जो पीएच है ना वो अल्कलाइन है और ओके, हमारी जो स्किन की पीएच है वो एसिडिक है, वो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में है। तो आपकी स्किन एसिडिक पीएच के साथ है और मोर टुवर्ड्स एसिडिक है, और आप अगर उसके ऊपर एल्कलाइन पीएच अगर आप लगाएंगे तो वो स्किन के बैरियर को डैमेज करेगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं बन जाएगा आपको। इसलिए जो रिकमेंडेड है वो फेस वॉशेज ही हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे नहीं कि मार्केट में उठा के कोई भी आप यूज़ करें। बिल्कुल इस तरह हाँ, ही। आपको अपनी स्किन टाइप के लिहाज से यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग इसके खिलाफ होते हैं कि हमने फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी स्किन टाइप के लिहाज से यूज़ नहीं कर रहे होते। तो फेस के लिए फेस वॉशेस प्रेफर हैं सोप के बजाय उनकी अच्छा, पीएच की वजह से। आप क्योंकि जो जो भी हमारी स्किन टाइप होगी उसके मुताबिक अगर हम यूज़ कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो हमें डिसअफेक्ट नहीं करेगी है। बिल्कुल अच्छा, मुझे बताएं कि जो स्किन पर हमारे मेलाज्मा या पिगमेंटेशन हो जाती है, और ये पहले हम कहते थे 30s में या फिर 40s में जाकर होती है, अब तो अर्ली एजेस में, मुझे भी कभी कभी मुझे लगता है कि समर्स में ना पिगमेंटेशन कहीं ना कहीं हो जाती है, तो ये मेलाज्मा को कहते हैं ट्रीट नहीं किया जा सकता, आप उसके लेज़र ट्रीटमेंट्स लें या जो भी लें, थोड़े टाइम का आपको फ़र्क लगता है, उसके बाद वो सेम एज इट इज़ वैसे ही रहती है, क्या ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और जब हम उनको सारी ट्रीटमेंट उनके साथ डिस्कस करते हैं तो वो एट द एंड हमें कहते हैं कि हम कितने अर्सा ये सब कुछ यूज़ करें तो हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल फेड हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब उनके अंदर मेरा ये जवाब होता है कि ये मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं किया जा सकता लेकिन इसको बेहतर ज़रूर किया जा सकता है। तो आगे से वो कहते हैं फिर फ़ायदा क्या है इसका ट्रीटमेंट लेने का जब उन्होंने ठीक नहीं होना। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट को ये कहती हूँ कि अगर आप दूसरी बीमारियों को देखें, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, क्या वो कभी ठीक होता है? नहीं, उसको कंट्रोल मेडिकेशन तो करना हम होता ले है रहे होते हैं ना। मेडिकेशन पे। एग्जैक्टली, अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ दें एक भी दिन तो बीपी ऊपर चले जाता है।
जाता है। तो मलाजमा के साथ भी ऐसे ही है, ये रहने वाला मसला है लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच के ट्रीटमेंट नहीं लेते कि ये मुकम्मल तौर पे तो ठीक नहीं होना है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बेहतर नहीं हो सकेगी, क्योंकि मलाजमा वो है जो फेस पे नज़र आता है। और जब भी लोग आपसे मिलते हैं वो सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, ये चेहरे को क्या हुआ है, ठीक है। तो उसको आप ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी हद तक फेड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है ट्रीटमेंट के साथ। तो मेलाज़मा की जो बेसिक रीज़न होती है एसाइटिस, मुझे बताएं वो क्या होती है? हम वाइटनिंग क्रीम्स अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं उस वजह से होती है, या फिर कहते हैं खून की कमी से ज़्यादा होती है? डिफरेंट रीजंस होती हैं जिसके अंदर जो दोनों आपने चीज़ें बोले, खून की कमी और क्रीम्स लगाने, इसके साथ भी होती है। वो क्रीम कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक अगर हम रूटीन में अगर पेशेंट्स कौन सी है, हम सबको पता है, बाकी सबको पता है, वो फॉर्मूला क्रीम्स हैं जो कि हमारे पार्लर्स में भी वो देते हैं कि मैं देख रही थी इंस्टा टिकटॉक पर ना, बाकायदा बनाते हुए ना, वो इतने बड़े से उन्होंने जार में और रखा हुआ, बाकायदा मिक्स कर रहे हैं हमारे सामने, ऐसे ही है। और उसके अंदर स्टेराइड्स हैं, और स्टेराइड्स के अलावा जो हार्मफुल उसके अंदर चीज़ है वो मर्करी है, और मर्करी के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। और जो अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आती हैं वो कहती हैं कि हमारा काम करने को दिल नहीं करता, हम बहुत थकावट महसूस करते हैं, हमारा दिल घबराता है, हाथ कांप रहे होते हैं। अच्छा, ये क्रीम्स की वजह से? ये क्रीम्स के, मर्करी जो है इसके दो तरह साइड इफेक्ट आते हैं, एक अक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ ट्रेमर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, आपको दिल नहीं करता काम करने का, और वीकनेस बहुत महसूस होते रहे। अब देखें तुम्हारी ज़्यादा फीमेल्स इस कंप्लेन के साथ आती हैं। और जो आपने पूछा था कि मलाजमा होने की क्या वजह होती है, उसके अंदर हमारे पास अगर हम देखें ना, टोटल अगर 10 मरीज़ आ रहे हैं तो उसमें से जो एक होता है वो मेल होता है, 9 जो पेशेंट होती हैं वो हमारी फ़ीमेल्स होती हैं। और ऐसा क्यों है? फीमेल्स हार्मोन्स की वजह से। फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है इसकी वजह से मलाजमा होने के चांसेस बढ़ते हैं, और वो भी प्रेगनेंसी में, हमल के दौरान, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल हमें पता है कि वो फ्लक्चुएट करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट आके ये कहते हैं कि पहले स्किन मेरी बिल्कुल ठीक थी, शादी से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, फिर जैसे ही हमल हुआ उसके बाद मेरी स्किन का हुआ, तो मसला वो हार्मोन्स है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, उसके अंदर क्या है? वो एस्ट्रोजन है। तो जब उसको लेते हैं तो हमारी स्किन के अंदर जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं सनलाइट से। तो जब भी वो लेते हैं तो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है, बेसिकली मेलानिन ही है जो कि स्किन को पिगमेंट प्रोवाइड करता है, और वो हमारे जो रीजन की स्किन होती है उसके अंदर ये पिगमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो जो कि यूरोपियन स्किन है। इस वजह से उनका लाइट स्किन होता है, हमारा डार्क स्किन होती है। तो एस्ट्रोजन की जो पिल्स वो हम लेते हैं बर्थ कंट्रोल, उससे भी ज़्यादा होता है। नंबर 3 आयरन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से भी होता है। और ज़्यादातर पेशेंट जब आते हैं तो हम ये लैब का टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मलाजमा तो देखते ही पता चल जाता है, तो हमें उसको डायग्नोस करने के लिए, उसकी तशखीस के लिए कोई टेस्ट नहीं करवाना पड़ता, हम उसकी आयरन की डेफिशिएंसी को देखने के लिए टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा सन एक्सपोजर, बहुत सारे लोग अभी भी इतना ज़्यादा देखते रहते हैं, अब तो मीडिया के अंदर भी बहुत आता है सन ब्लॉक, लेकिन फिर भी उसको नहीं अवॉइड करते। और एक कॉन्सेप्ट बहुत जो फीमेल्स आगे कहती हैं कि मैं तो घर पे रहती हूँ तो क्या मुझे भी लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। और मैं अक्सर उनको ये कहती हूँ कि सन ब्लॉक लगाने के लिए बाहर सूरज का निकलना ज़रूरी है, आपका घर से निकलना नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात की है, सूरज का निकलना ज़रूरी है, हमारा बाहर निकलना, क्योंकि कहीं ना कहीं रेस से हम इफेक्ट तो हो रहे होते हैं, किचन में जा रहे होते हैं, घर की लाइट्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे होते हैं। सेकेंडली ये कि जब हम बात करते हैं ना किसी भी कुदरत के खिलाफ कुछ भी कर रहे होते हैं ना हम, तो वो हमारे ज़ाहरी बात नज़र आ रहा होता है, क्योंकि जो चीज़ हम खा रहे होते हैं, जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, हम स्किन पे लगा रहे हैं तो मतलब डायरेक्टली वो अंदर हम इनहेल कर रहे हैं ना, इनहेल नहीं कर रहे लेकिन डायरेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, एब्जॉर्ब हो रही है वो। और सेकेंडली कि जब आपने ये बात की है ना कि जब हम हार्मोनल हमें इशू होते हैं, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों को आप देखती होंगी उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते, सिर्फ जो भी है ना क्रीम्स वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनल इशू को हम कैटर ही कर रहे होते हैं जी। लेकिन उसमें यह भी देखा गया कि सिर्फ हार्मोन्स का नहीं है, इवन अगर जो छाइयों वाले मरीज़ होते हैं वो भी फर्स्ट टाइम हमारे पास नहीं आते हैं, हमारे घर में टोटके बहुत आते हैं, टोटके बहुत चलते हैं। आप गली महल्ले में आप चल रहे होंगे, आप किसी दुकान पर चल जाएंगे, वो आपको कोई टोटका बता देंगे और वो लगा देंगे, और हमें ये लगता है कि क्योंकि ये घर की चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनिक है, हम इनको फेस पे लगाएंगे, बिल्कुल ये फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचाती है। हर चीज़ हर स्किन के लिए नहीं है, अगर किसी को उसे फ़र्क पड़ा है उसका मतलब ये नहीं कि आपको एज इट इज़ पड़े, क्योंकि हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है तो उसके हिसाब से वो चीज़ इफेक्ट करती है। अच्छा, अगर आप देखें, अगर आपने देखा होगा, जब मैं देख रही हूँ ना आजकल क्रीम्स वगैरह की तरफ मैं देख रही हूँ, तो उसमें ये है कि जो आप ब्लीचिंग क्रीम में जो पाउडर यूज़ होता है ना वो क्रीम में डाल रहे हैं जी, और सिर्फ जल्दी इफेक्ट लेकर आने की। तो मैं सोचती हूँ जो कहा ही जाता है कि आपने ब्लीचिंग क्रीम भी जो है 10 से 15 मिनट के उसमें लगा दी है, तो जो हम सारी रात लगाकर
दो दो तीन महीने तक सो रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आती स्किन की क्या हालत हो रही होगी। ऐसे ही है, इसके साथ जो स्टेरॉइड यूज़ होता है उसकी वजह से स्किन बहुत थिन हो जाती है और वेंस नजर आते हैं, रेड लाल हो जाती है स्किन, और ये जैसे आपने कहा वेंस प्रोमिनेंट हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आप यकीन करें कि दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है जो कि इस साइन को, इन सब चीज़ों को रिवर्स कर सके। फिर वो आते हैं, वो कहते हैं हम सूरज के बाहर बाहर जाते हैं तो लाली आ जाती है, हमें किचन में जाना हमारे लिए मसला हो जाता है क्योंकि हमें चुभन महसूस होती है। वो क्यों होती है? स्टेरॉइड की वजह से। और ऐसे फेस जब हमारे पास आते हैं ना, हमें दूर से पता चल जाता है, और अक्सर वो मना करती है, नहीं नहीं हमने तो कुछ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, लेकिन बहुत प्रोब करके पता चल जाता है कि ये चीज़ इन्होंने, ये क्रीम्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं जिसके साथ वो आती है हमारे पास। तो कौन सी ऐसे मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं? कहा जाता है कि अगर मेडिकेटेड क्रीम भी है, अगर हम साल दो साल के दौरानिए तक लगाते रहे इसको तो वो भी असर करना छोड़ देती हैं, मतलब उस तरह से इफेक्ट नहीं दे रही होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि वाइटामिन सी क्रीम्स जो हैं वो बेस्ट रहती हैं स्किन के लिए, ग्लूटाथायोन जो है वो बेस्ट रहता है, एवेंटोन सी है, मैक्सटिफ है, ग्लूटामैक्स है, जब हम ये ज़्यादा अरसे तक, एक साल दो साल तक लगाते हैं तो क्या ये हमारी स्किन पर असर करना छोड़ देती हैं? अच्छा, इसमें ये कि जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि विटामिन सी है बेसिकली, इसके अलावा एजैलिक एसिड है और ग्लूटाथायोन है, जैसे कोजिक एसिड, हाँ जी कोजिक एसिड है, ये सारे स्किन वाइटनिंग एजेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं और हम प्रेफर करते हैं इनको मलाज़मा की ट्रीटमेंट के लिए। और जो फार्मा के जो प्रोडक्ट जैसे आपने नाम लिए, ये हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, ये वो है, ये कुछ ये होता है कि पेशेंट्स, एक तो कंप्लायंस उसकी ख़राब हो जाती है तब जब उसको लगता है कि ये ठीक हो रहा है, ये एक बहुत फैक्टर होता है। वो जब ठीक होते हैं ना तो वो उस तरह से नहीं लगाते जैसे वो पहले आते हैं हमारे पास उस मसले के साथ, जैसे उनको लगता है वो ठीक हो रहे हैं वो फिर लगाना आफ्टर केयर में हम करते हैं बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि अगर एक चीज़ आप लगा रहे हैं तो फिर इंग्रेडिएंट्स को चेंज किया जा सकता है, और ये पेशेंट को अक्सर लगता होता है कि ये अब स्टैटिक हो गया क्योंकि उसकी इंप्रूवमेंट होगी ना, वो भूल जाता है कि वो किस स्टेज से वो यहाँ तक पहुँचा है। और ये जितने प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है, इनको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसमें मैं स्पेशल एक इंग्रेडिएंट का नाम लेना चाहूँगी जो कि हाइड्रोक्विनोन है। अब हाइड्रोक्विनोन जो है ये यूज़ होता है और ये हमारी स्किन टाइप के लिए ये काफ़ी मलाज़मा को ट्रीट करता है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि यूज़ किस तरह से करना है इसका। अब हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली सब कुछ फार्मेसी में आप जो अवेलेबल है, 2% 5% हाइड्रोक्विनोन की जब आप बात कर रही हैं वो अवेलेबल है। स्टार्ट में कुछ मंथ्स के लिए एडवाइस करते हैं और इसका खास तरीका होता है जिस तरह से लगाना होता है, लेकिन पेशेंट एक तो इसको कंसल्ट नहीं करता डॉक्टर को, और वो इसको लॉन्ग पीरियड के लिए जब यूज़ करता है तो उसका फ़ायदा के बजाय उसका नुकसान ज़्यादा होता है, और फिर वही रेडनेस और बर्निंग वो सारा कुछ उसको हाइड्रोक्विनोन से भी होता है, जो कि एक अच्छा है स्किन के लिए, लेकिन इसको बहुत थोड़े पीरियड के लिए इसको यूज़ करना होता है। लेकिन जो विटामिन सी है, नियासिनमाइड है, कोजिक एसिड है, इसे पर लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब आपने ये बात की क्या ये काम करना छोड़ देती हैं, अब उसके अंदर फिर हम चीज़ें ऐड ऑन करते हैं कि खाली ये सिर्फ लगाने से नहीं, हम कुछ उसके उनके अंदर प्रोसीजर्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं जिसमें लेज़र्स आती हैं, क्यूसिच लेज़र है, इसके अलावा इन क्लिनिक हमारे प्रोसीजर होता है जिसको हम केमिकल पील कहते हैं, उसमें डॉक्टर की निगरानी पे खास परसेंटेज के अंदर हम एसिड लगाते हैं और वो फ्यू मिनट्स के लिए हम लगाते हैं और वो 3 to 4 weeks के बाद वो रिपीट होता है। और इसके अलावा एक और जो हम इन क्लिनिक प्रोसीजर करते हैं वो मीज़ोथेरेपी है, जिसका जो मुझे पर्सनल बहुत पसंद है, उसके अंदर वो ट्रांसएमिक एसिड होता है, मज़े का, हाँ जी, वो खाने वाली टैबलेट भी बहुत इफेक्टिव होती है, और वो उसके जो मीज़ोथेरेपी में जब इंजेक्शन लगाते हैं स्किन के अंदर तो वो बहुत इफेक्टिव होती है, स्किन रिजुविनेट हो जाती है दोबारा से, जब हमें लगता है थिन स्किन हो रही है उससे बेहतर हो जाती है। तो कभी हम देखते पहले ऐसे होता था जब ये लेज़र ट्रीटमेंट्स वगैरह हमारे पास मौजूद नहीं थे तो हम सिर्फ क्रीम्स जो है ना वो जितने अरसे तक यूज़ करते थे, लेकिन अब अगर लेज़र ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और उनसे जो रिजल्ट्स हैं जहाँ पे हमें क्रीम्स के साथ साल दो साल में मिलने हैं, वो हमें 2-3 माह में वो पहले दूसरे सेशन में पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि ये रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि हम जब कंसल्ट करने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, आप देखते होंगे बहुत सारे क्लिनिक जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो वो वहाँ जाकर बता देंगे आप ये भी करवा लें, आप ये भी करवा लें, इसके साथ ये है, इसकी ये डील्स चल रही हैं, क्या ये फायदेमंद होता है स्किन के लिए? अनफॉर्चुनेटली नॉट, लेकिन फिर भी बता दें। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो पब्लिक है उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट में और एस्थेटिक फिजिशियन में डिफरेंस है, ठीक है। और एस्थेटिक फिजिशियन में अभी हम देखें तो कुछ तो है जो MBBS के बाद भी और कुछ इसमें डिप्लोमास करके और कोर्सेज करके इसको कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी ना डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो क्योंकि एक स्किन को डील कर रहे हैं तो सबको लगता है कि ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। और ये बहुत, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वो इस चीज़ को जाने के इस दोनों में फ़र्क है, डर्मेटोलॉजिस्ट में और एस्थेटिक फिजिशियंस में। अगर वो स्किन को डील कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और हम ये देखते हैं रूटीन में, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें एक्ने था और उसके लिए हमने PRP करवाई, वो नहीं है उसके लिए,
ठीक है, तो ये आपको पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि आपको ये प्रोसीजर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। लेकिन जी सॉरी, हाँ लेकिन ये होता है कि कभी को पेशेंट्स आते हैं, उनको अगर हम समझाए भी ना आपको ये इस प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, वो ज़िद करते हैं क्योंकि उसने करवाया था, तो ये हुआ था, हाँ, तो ये करें। तो एस्थेटिक फिजिशियन जो होते हैं वो ज़ेरे निगरानी काम करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के, जो रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो ऑपरेट करके या टेक्निकली जो भी मसला होता है वो एस्थेटिक्स जो होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस के साथ, उनको समझ आ जाती है स्किन टाइप कौन सी है या क्या है, लेकिन फिर भी देखा जाए स्किन ज़्यादा ख़राब वहीं से होकर आती है। कभी होता है कि बहाने से अल्लाह की तरफ से चल गया तो चल गया, तो चीज़ें अच्छे से होती रहती हैं स्मूथली, लेकिन मुझे लगता है कि डर्माटोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि देखें एक्सपीरियंस तो है लेकिन जब डर्माटोलॉजिस्ट है वो बहुत ज़्यादा पढ़ कर आया होता है, हम एक स्पेशलिस्ट डिग्री में पूरा कोर्स और बहुत कुछ स्किन के बारे में पढ़ कर आए होते हैं, तो हम इसको बेहतर तरीके से स्किन के इश्यूज़ को डील कर सकते हैं, जाहिर है कि वो कि जिसने सिर्फ बिल्कुल इस तरह से है बहुत, हम इस बारे में मज़ीद बात भी करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एवरीवन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में जो हम स्किन के हवाले से करवा सकते हैं, और 25 के बाद हमें सिर्फ होता है एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह यूज़ कर ली जाए, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इस बारे में भी पूछेंगे डॉक्टर सैरी से। डॉक्टर सैरी मुझे बताइएगा, जो हम प्री रिजुविनेट जो है वो ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाते हैं वो किस एज से हमें शुरू कर देने चाहिए? अच्छा, प्री रिजुविनेशन बेसिकली कहते किसे हैं जी? ज़्यादातर हमें ये होता है कि जो 50-60s में जाते हैं वो पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं अब ये हमारे रिंकल्स पड़ गए हैं इसको आप ट्रीट कर दें, और स्किन हमारी लटक रही है इसको आप ठीक कर दें। अब उसके अंदर होता ये कि रिंकल जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, अब ये जो आपके रिंकल जैसे आपको एक्सप्रेशन ही दे रहे और आपके रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, बोटॉक्स उनको ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन आप देते हैं, आप गुस्सा दिखा रहे हैं, इसके साथ जो आपके रिंकल्स बनते हैं बोटॉक्स उसी को ट्रीट करते हैं। अब अगर आप 40-55 एज के बाद आप आ रहे हैं कि ये रिंकल्स ख़त्म कर लें बोटॉक्स के साथ, तो ये मुश्किल है ना, क्योंकि उसने करना ही आपके ये डायनेमिक रिंकल्स, क्योंकि स्टैटिक वो हैं जो आपको ऐसे बगैर एक्सप्रेशन के नज़र आ रहे हैं उसको ट्रीट नहीं करेगा। फिर उसके लिए पेशेंट को CO2 लेज़र करवाना पड़ता है, वो भी स्किन की रिजुविनेशन के लिए। लेकिन जो प्री रिजुविनेशन होती है वो हम उसको कहते हैं कि आपकी अभी एजिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आप उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने स्किन के प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, जिसको हम प्री रिजुविनेशन कहते हैं। अब इसमें प्रोसीजर्स भी आते हैं और इसके अंदर कुछ आपकी स्किन की केयर रूटीन भी है जो आपको एंटी एजिंग की तरफ लेके जाएगी। उसमें क्या है, हम जो स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करें, उसके अंदर रेटिनॉल है और रेटिनॉल का भी एक तरीका है खास जिसको यूज़ करना है। अब उसके अंदर जिनकी बहुत ड्राई स्किन है, अगर वो उसको डेली बेसिस पर रात को लगाना शुरू कर देंगे तो उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रेटिनॉल है उसने एक्सफोलिएट करना है स्किन को, तो आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है आप ज़्यादा लगा लेंगी तो ये डबल एक्स हो जाएगा ड्यूल के, ये आपको फ़ायदे के साथ नुकसान भी ये पहुँचा देगा। तो इसका लगाने का तरीका बहुत ज़रूरी है कि आप इसको स्लोली अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें और 25 एज के बाद 24 के बाद आप इसको बाकायदगी रूटीन करना शुरू कर दें। और उसके साथ सन ब्लॉक भी एंटी एजिंग है, तो अगर आप लगाते हैं आप जितना आपका सन एक्सपोजर होगा, क्योंकि जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो जिसमें हमारे पास UVA होती है और UVB होती है, जो UVA होती है ना ये एजिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो हमारा जो सन ब्लॉक है ये हमें अगर हम लगाएंगे तो एजिंग को प्रिवेंट करेगा। तो ये तो वो स्किन केयर में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो माइक्रो नीडलिंग है, माइक्रो नीडलिंग विद PRP, ये आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। और इसमें अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि हम कब तक कराएं, तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं 25 के बाद से करवाना देना शुरू 30 के बाद 30 के बाद आप करा लें। अब उसमें पेशेंट पूछते हैं कि कब तक कराएं, तो मैं अक्सर उनको ये कहती हूँ कि अगर आप 3-4 सेशन करा रहे हैं तो उसके बाद क्या आपकी एजिंग स्टॉप हो गई, आप एज करना स्टॉप हो गए, तो ऐसा तो नहीं है ना। टाइम के साथ जब आपकी एज बढ़ रही है आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी वही हैं, सन का एक्सपोजर भी आपका वैसे ही हो रहा है, तो ये प्रोसीजर आप जब तक चाहें आप इसको करवा सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल इस तरह से है। और इनके प्रोसीजर्स के बाद में जो आफ्टर केयर होती है ना वो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने कहा कि सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एंटी एजिंग में आता है और हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर सरीज एक बात समझ नहीं आती है, जो भी ट्रीटमेंट या फिर जो भी सीरम्स वगैरह जो मार्केट में आते हैं ना वो उनकी हाइप इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम सब उस ना जिसे कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे हम वहाँ पर लग जाते हैं। अब जैसे अगर हम सन ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम अभी वाइटनिंग क्रीम्स की बात कर रहे थे, उन वाइटनिंग क्रीम्स के भी वाइटनिंग सन ब्लॉक्स आ चुके हैं अब मार्केट में मौजूद हैं और वो उसी प्राइस में मौजूद हैं जितने में आम सन ब्लॉक नहीं आता है। और अब अगर हम रेटिनॉल की बात करें, सेम एज इट इज़ ही है वो सीरम, नायासिनमाइड जो है, कोजिक एसिड वगैरह, ये उनके पास भी मौजूद है। तो ये ट्रीट कैसे करना है या किस फार्मेसी से यूज़ करना है, किस ब्रांड का लेना है,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है ना कि सेम हम अगर डॉक्टर आपको भी आके पेशेंट आपसे कह रहे हैं कि हम यूज़ नायासिनमाइड कर रहे हैं फिर भी इस तरह से हो रहा है, लेकिन किस ब्रांड का कह रहे हैं ये उनको नहीं पता जी। अब हम बेसिकली जब सोशल मीडिया देखते हैं ना तो उसमें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एग्जैक्टली और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और लोकल ब्रांड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अच्छी बात है अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया को देख के ही बाय करते पेशेंट, तो उनको लगता है उनकी स्किन ऐसे हो रही है और जो प्रमोट कर रहे होते हैं ना यूज़ उन्होंने भी नहीं किया होता वैसे उसको। वो तो बिल्कुल भी नहीं करते, वो तो कर भी नहीं सकते, जरूरत भी नहीं करेंगे ऐसा ही है। तो उनको लगता है क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ करेंगे तो ये इसका फ़ायदा होगा। अब हम जब डर्माटोलॉजिस्ट हैं, हम जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं वो होते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं और हमें उसका फॉलोअप भी मिलता है। तो हमें फार्मास्यूटिकल में जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं हमें उसका भी फीडबैक साथ साथ मिलता रहता है कि कौन सा अच्छा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे फार्मा वाले प्रोडक्ट्स ही अच्छे हों, और बाकी स्किन के लिहाज से भी बहुत मैटर करता है कि और हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता है। तो हमें जब पेशेंट का फीडबैक मिलता है तो हमें आइडिया हो जाता है। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहती लेकिन एक उसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट लगाया था, और उनका नाम लेने से पहले मैं उनको कह देती हूँ कि आपने क्या ये वाला लगाया इस ब्रांड का लगाया, तो आप यकीन करें कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा नहीं आपने बाद में बता देना, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो वो लगा कर आते हैं, उसका विटामिन सी का सीरम है जो वो लगाते हैं, और उसके बाद रेडनेस के साथ इचिंग के साथ पेशेंट्स आते हैं। अब उसमें मैं कहना ये चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि ये किसी फार्मेसी के कई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने देखा है कि हर पेशेंट उसके साथ आ रहा है, लेकिन उसके फिर भी प्रमोट हो रहा है। स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की जाती है कि हर कोई बाय करने पे ना उसको मजबूर हो जाता है, और हम सब खेलते हैं ना, हम साइकी के साथ खेलते हैं जो भी ऑडियंस के। तो डॉक्टर सरीश मुझे बताइएगा कि रेटिनॉल जो है इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो विटामिन ए है ये जी, अगर हम इसको स्किन पर यूज़ करते हैं तो आपको नहीं लगता कि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है? इसके इफेक्ट तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन हम रेटिनॉल की जब बात कर रहे होते हैं कि कहा जाता है कि मोस्ट हाइप्ड एक तरह से प्रोडक्ट हो गया रेटिनॉल, अगर 2 साल पहले देखें बिल्कुल भी मार्केट में उस तरह से मौजूद नहीं था जैसे अब है। हम विटामिन ए की बात करते थे बिल्कुल, तो आपको लगता है कि मोस्ट हाइप्ड है ये? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह अगर हम रेटिनॉल की बात करें इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी हाइप का रेट हुई हुई है, और लेकिन ये इफेक्टिव है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये हर स्किन टाइप के लिए नहीं है, क्योंकि अगर अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो ये कहकर आते हैं कि हमने खुद से ही रेटिनॉल अपने स्किन के अंदर ऐड किया क्योंकि इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है, तो उनको इफेक्ट तो नहीं आ रहा होता लेकिन साइड इफेक्ट उनको बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर भी ना ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से लगा रहे हैं और किस क्वान्टिटी के अंदर लगा रहे हैं, और रेटिनॉल की कौन सी स्ट्रेंथ आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आप माइल्ड वाला यूज़ कर रहे हैं या थोड़ा स्ट्रॉन्गर यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि डिपेंड करता है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप स्टार्ट से ही आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया लेकिन आपने, क्योंकि एक तो माशाल्लाह से हमें आदत नहीं है ना कि डॉक्टर के साथ डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, ठीक है ना, तो वो अगर हमें ऑनलाइन चीज़ नज़र आ रही है तो मंगवा के उसको यूज़ कर लेते हैं और फिर वही जो तरीका बता रहे होते हैं ना वही उसी से लगाना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर सब्र कम होता है तो ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं ताकि रिजल्ट ज़्यादा आ जाए। तो ये जो रेटिनॉल का जो असर होता है ये बहुत पेशेंट्स के साथ सब्र के साथ आपको करना पड़ता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं तो अक्सर पेशेंट को कहती हूँ कि सबसे पहले जो उसकी लोअर स्ट्रेंथ है जो कि डैपलिन में आती है, आप पहले उससे स्टार्ट करें, और वो भी हफ्ते में एक या दो दफ़ा, और स्टार्ट में तो यह कि आप 2 घंटे लगा के अपना फेस वॉश कर दें, उसके बाद जब आपको लगता है कि ये सूट कर रहा है तो फिर आप उसको रूटीन में ऐड करें। और काफ़ी पेशेंट जब सही मकदार में भी यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो कहते हैं ब्रेक आउट हो रहा है और फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, तो आप उसमें ये नहीं कि क्योंकि ये अच्छा है तो आप पुश करो कि आप इसको यूज़ करो, नहीं ऐसा नहीं, अगर सूट कर रहा तो छोड़ दो उसको टाइम के लिए, नहीं आपकी स्किन के लिए, तो इससे बेहतर क्या चाहिए, डॉक्टर के पास आकर फिर भी हम वो कंसल्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। अच्छा, हमने बात कर ली हमने ट्रीटमेंट्स की या क्रीम्स वगैरह कौन सी हम अपने फेस के लिए लगा सकते हैं, और जो बेसिक चीज़ है डाइट बहुत ज़्यादा जो होती है कंपल्सरी होती है किसी भी चीज़ के लिए, हम अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए डाइट जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, हमारी स्किन के लिए अगर हम हेयर नेल्स और स्किन यही है बेसिकली, और फीमेल ज़्यादातर इसी के साथ आती हैं, इसमें जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि आपने लेने हैं, उसके अंदर आयरन है, विटामिन डी है और जिंक है जो बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम टेस्ट भी करवाते हैं क्योंकि अगर इनकी मिकदार बहुत कम है ना तो फिर वो डाइट भी उस तरह से आपको बेहतर नहीं कर सकेगी, तो फिर इसके सप्लीमेंट्स लेना ही बेहतर होंगे। लेकिन अगर आपका ठीक है ये इसके लेवल्स ठीक है लेकिन आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें तो डाइट से हो जाएगा, डाइट से उसको बेहतर हो सकता है। अब उसके अंदर जैसे आयरन रिच फूड्स हैं उसके अंदर किशमिश है, अंजीर है, इसके अलावा खजूर है जो, और बादाम है, और जो जितनी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना जिसके अंदर पालक है वो, इसके अलावा रेड मीट है, इसके अलावा अंडा, वो रोज़ाना हम सुबह लेते हैं, लेकिन अंडे के साथ अंडे में जो प्रोटीन्स हैं
और जो हमें वाइटमिन डी और कैल्शियम उससे मिलता है, उसके साथ ही हम चाय पी लेते हैं। अब चाय के अंदर जो एक हाँ, तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो पेशेंट ये कहता है कि मैं तो रोज़ाना अंडा लेता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे ऐसे रूटीन है कि हमें ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो हम फ़ौरन साथ चाय पी लेते हैं। तो उसका फ़ायदे के बजाय उसका नुकसान ये कि मतलब आपको मिल ही नहीं रहा, आप अपने तौर पे तो ले रहे हैं। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, और बाकी ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं जिसमें नट्स आते हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, रेड मीट है, फ़िश है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, वो आपको विटामिन डी, और वो आपको वैसे भी अंडे से भी बहुत अच्छा मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर सर, जब बात कर अगर हमने सप्लीमेंट्स की बात की है, जिंक और बायोटिन जो है, आप देखें जैसे कि हम क्रीम्स की बात कर रहे हैं ना, ऐसे मार्केट में सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बेचने वाले हैं ना, वो सिर्फ क्रीम्स नहीं मार्केट में निकालते हैं, सप्लीमेंट्स हर चीज़ वो निकालेंगे, जहाँ से पता होता है कि हमारी साइकी के साथ खेला जाएगा। तो जिंक और बायोटिन जो है वो ज़्यादा लेने से क्या एक्नी ज़्यादा हो सकती है? अब बायोटिन बहुत से लोगों को देखे हैं। एक तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं बायोटिन के बारे में बात करना चाहती हूँ। बायोटिन की भी बाकी और जितनी भी चीज़ें मार्केट में जा रही है ना, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। लेकिन रेटिनॉल जैसे आपने बात की, वो तो फिर फ़ायदा है उसका, लेकिन अगर बायोटिन की बात करें तो ये मार्केटिंग है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी जो कि अमेरिका का बेस्ड जर्नल है, उसके अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उन्होंने ये मेंशन किया है कि बायोटिन का हेयर फॉल के ऊपर, हेयर ग्रोथ के ऊपर जो अक्सर लेते हैं, कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग का मार्केटिंग मंजन बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बायोटिन सिर्फ उन्हीं को आप दें जिनके अंदर आपको डेफिशिएंसी मिलती है। और उसके अंदर ये कहा जाता है कि हम रूटीन में डाइट लेते हैं और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट बायोटिन की होती है वो हमें अपनी डाइट से मिल जाती है, तो हमें एडिशनल बायोटिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो लोग लेते हैं उसमें बायोटिन के साथ और दूसरे जो विटामिन बी के जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसके साथ एक्ने ज़रूर एग्रीवेट होती है। तो ये हाँ। बहुत बड़ी रीज़न है। देखिए ना, अगर किसी चीज़ की आपको अंदर ज़रूरत नहीं है, अगर आप वो हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो साइड इफ़ेक्ट करेगा, चाहे वो एक्ने की सूरत में करें या स्टोन्स की सूरत में कर लें गुर्दों में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर सर, जिस तरह से आपकी बात का अगर हम कंक्लूड करें, तो आप यही कहेंगी कि सबसे पहले तो टेस्ट करवाया जाए कि कौन सी डेफिशिएंसी है, उसके बाद कोई भी सप्लीमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाए। अच्छा सेकेंड, अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन सी है हमारा, तो जो हमारे पास CAC आता है, तो वो हम खवातीन यूज़ करती हैं, उनके हर किसी के पास देखेंगे ना, किसी ना किसी के पास होगा, तो उसका भी हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो सिर्फ हम इनहेल कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं हम, तो उसका नुकसान क्या है? अच्छा उसमें भी टेस्ट आपको बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास एक पेशेंट आई तो वो हेयर फॉल के साथ है। अब हेयर फॉल में हम हमेशा विटामिन डी करवाते हैं, तो मैंने उस पेशेंट को एडवाइस किया कि ये आपने करवा के तो आपने मुझे सेंड करना है, तो उस और साथ मैंने रिकमेंड कर दिया कि इनकेस डेफिशिएंसी आती है जो मैं लिख रही हूँ तो आप इसको स्टार्ट कर देना। अब वो पेशेंट और 3 मंथ्स के बाद मैंने फॉलोअप का जब उनको कहा, तो उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो वो उनके लेवल्स बहुत हाई थे विटामिन डी के, और मैंने फिर उनको कहा कि मैंने इतना बुरा असर करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि आपको एडवाइस किया था कि बेस लाइन पर आप इसको करवाएं, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है ये टेस्ट करवा लेना, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं कमी होगी, हमारी डाइट ऐसे कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो एक केस मैंने ऐसा देखा, तो उसे मेरी भी लर्निंग हुई और बाकी सबके लिए भी है कि ये बेसलाइन करवा लेना चाहिए। तो अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप लें, ऐसा नहीं क्योंकि सब ले रहे हैं तो आपने भी ये लेना है। बिल्कुल इस तरह से, तो जो कैल्शियम हम कैल्सी ले रहे होते हैं, तो जो हम डेली बेसिस पर इसको ले सकते हैं कैल्सी को? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, और इसको हमेशा उसके कॉम्बिनेशन के साथ लेना चाहिए जो विटामिन डी के साथ हो। तो अभी जो आपने बोला कि विटामिन डी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है विटामिन सी को, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जो फैट सोल्यूबल है वो वैसे भी वो बाहर निकल जाता है, जो भी होता है एक्स्ट्रा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मुझे लास्ट में बताएंगे, हम कोई ऐसी घर बैठ कर रेमेडी से, तो वैसे आप कह रहे हैं अवॉइड करना, लेकिन कोई ऐसी क्रीम हो जाए या मेडिकेटेड जो हम यूज़ कर सकें या उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों? अब आपको रूटीन में विटामिन सी ज़रूर ऐड करना चाहिए, और वो भी मॉर्निंग टाइम के ऊपर, क्योंकि ये आपको सन से भी प्रोटेक्ट करती है जो विटामिन सी है। और अगर आपने अभी पहले कभी आपने स्किन के रूटीन ही की, तो विटामिन सी से स्टार्ट करें, और साथ वो आप नाइट टाइम भी लगा सकते हैं, मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, और साथ आप सन ब्लॉक, और फिर टाइम जब अगर आपको ये सूट कर जाती है तो फिर अजैलिक एसिड एक अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आप साथ ऐड कर सकते हैं, वो पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीश, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया।